गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के विषय में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ एवं न्यायिक शक्तियों के विषय में पढ़ा। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। भारत के संविधान के अंतर्गत तीन प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। एक, राष्ट्रीय आपातकाल। दो, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। एवं तीन, वित्तीय आपातकाल। इन तीनों ही प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 352 से है। वहीं किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसका लोकप्रिय नाम है राष्ट्रपति शासन का लगना या राष्ट्रपति शासन, का संबंध अनुच्छेद 356 से है। वहीं वित्तीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 360 से है। परीक्षाओं में प्राय आपातकालीन शक्तियों से, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, उनसे प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः भारतीय जो संविधान है वो तीन प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों की कल्पना करता है। नंबर एक, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और तीसरा, वित्तीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 360। हम राष्ट्रपति की इन तीनों ही शक्तियों को, या राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, उन्हें अनुच्छेद 352, 356 और 360 के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई है कि जब भी राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया है, तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अतः पहली बात जो इससे स्पष्ट होती है, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाएगी। और किन संदर्भों में? युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के नाम पर। भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। इनमें सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर। अतः पहले दो आपातकाल यानी कि 1962 भारत चीन युद्ध के समय, और दूसरा आपातकाल यानी कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो आपातकाल लगे, उनका आधार बाह आक्रमण था। लेकिन 1975 में जो आपातकाल लगाया गया उसका आधार आंतरिक अशांति था। यह आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया, जो काफ़ी विवादास्पद रहा। और कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध हुई कि इस 1975 में घोषित आंतरिक अशांति के आपातकाल के नाम पर शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। अतः आपात शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आंतरिक अशांति शब्द था, उसे सशस्त्र विद्रोह द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, या आंतरिक अशांति के स्थान पर, या आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो था उसे ला दिया गया। अतः अब हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति अथवा उसकी आशंका पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन साथ ही 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक विशेष व्यवस्था और की गई। राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा केवल प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं, वरन
जो मंत्रिमंडल है उसकी लिखित सिफारिश के आधार पर ही की जाएगी। अतः 1975 में आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पश्चात जो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी व्यवस्था है उसमें संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके अंतर्गत जो आंतरिक अशांति शब्द प्रयुक्त किया गया था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली का प्रयोग किया गया, और साथ ही यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को जब तक मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आपातकाल लागू करने के लिए प्राप्त नहीं होती तब तक वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा के एक माह के अंदर संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा में यह घोषणा रखी जाएगी और दोनों ही सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा इस घोषणा का पारित होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेना होगा। आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रत्येक 6 माह में संसद की अनुमति आवश्यक है, अर्थात एक बार में आपातकाल 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन 6 माह से अधिक अवधि तक लगाए रखने के लिए पुनः संसद की अनुमति आवश्यक है। अतः राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है, और जो अनुच्छेद 352 है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल है कि घोषणा युद्ध बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है या के आधारों पर की जा सकती है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। अब हम बात करते हैं दूसरे आपातकाल के प्रकार की, जिसे कहा जाता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मिलता है, और इसका जो लोकप्रिय नाम है वह है राष्ट्रपति शासन, यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का लगना। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्य किसी माध्यम से यह ज्ञात हो कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन से जो संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 भारत के संविधान के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें एक अत्यंत विवादास्पद अनुच्छेद रहा है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और उस राज्य की सरकार के सभी कार्यों का संपन्न करने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है। ऐसी घोषणा के लागू रहने की अवधि में राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के विधानमंडल में निहित शक्तियों का प्रयोग संघ की संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी संसद द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ऐसी घोषणा 2 माह के भीतर संसद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाती है। किसी भी परिस्थिति में राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 360 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी किसी भी उद्घोषणा का अनुमोदन 2 माह के भीतर संसद द्वारा किया जाना आवश्यक है। आज तक भारत में
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी नहीं की गई है। अतः आज हमने जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के विषय में पढ़ा, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, संवैधानिक तंत्र की विफलता किसी राज्य में या जिसका लोकप्रिय नाम है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक भारत में तीन बार आपातकाल की घोषणा की गई है, 1962, 1971 और 1975 में। और संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन की घोषणा अब तक कई बार की जा चुकी है, और अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के विवादास्पद अनुच्छेदों में से एक है, क्योंकि प्राय विपक्ष द्वारा यह माना जाता है कि इस अनुच्छेद का उपयोग सदैव जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए किया जाता है, या राज्यों में जो उनकी विरोधी दलों की सरकारें हैं उन्हें गिराने के लिए किया जाता है। इन सबको हम सविस्तार पूर्वक नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख संविधान के 360वें अनुच्छेद में मिलता है, और आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।